हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन नाम के चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इमेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे और प्रतिबिंब के प्रकार को के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, जब मैं समझाऊंगी तो समझिएगा और जब मैं कहूंगी कि लिखिए तब आप लिखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। देखिए, आप अपने आप को या फिर अपने चेहरे को जिस भी सतह पर देखते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो चम्मच हो, चाहे वो प्लेट हो, किसी भी सतह पर देखते हैं, उस सतह पर बनने वाली आपकी आकृति प्रतिबिंब कहलाती है। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाऊं, तो आपके घर में जो दर्पण होता है वो होता है प्लेन दर्पण, कुछ इस तरह से, ठीक है? अब इसके सामने कोई भी वस्तु रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी वस्तु हो गया, इसकी ऊंचाई इतनी है, तो ये जो वस्तु है इसका इस दर्पण पर जो भी आकृति बनेगी उस आकृति को हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक है? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जिस शीशे में आपकी आकृति बनती है या फिर शीशे के सामने कोई भी वस्तु रख दीजिए, उस वस्तु की उस शीशे में जो भी आकृति बनती है उसको बोलते हैं हम प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब का मैं डिफिनेशन लिख देती हूँ मिटाकर। ये देखिए, जब किसी वस्तु को दर्पण मैं लिख दी हूँ कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन के कारण जो आकृति दिखाई देती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आकृति मतलब क्या? चेहरा। आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका चेहरा जो शीशे में दिखाई देती है उसी को तो आकृति बोलते हैं, और उस आकृति को हम बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है? आप दर्पण के सामने कुछ भी रख दीजिए, किताब, कलम, जो कोई भी वस्तु रख दीजिए, उसका जो उस दर्पण में आकृति दिखाई देगा उसको हम बोलेंगे प्रतिबिंब। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम समझते हैं कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला होता है आभासी प्रतिबिंब पहला होता है आभासी प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं हम रियल इमेज, ठीक है? अब हम समझेंगे कि आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो मैं आभासी प्रतिबिंब का डिफिनेशन लिखती हूँ तब मैं आपको समझाती हूँ। लिखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब
कहते हैं। मैं लिख दी हूँ कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब इस डिफिनेशन का क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए ये कोई आपका प्लेन मिरर हो गया, ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। इसके सामने आप कोई भी वस्तु रख दीजिए, उसकी ऊंचाई ये है। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसकी ऊंचाई h मान लीजिए, ठीक है। अब किसी भी वस्तु का जब हमें प्रतिबिंब बनाना होता है तो उस वस्तु से दो किरणें निकालते हैं, उस वस्तु से दो किरणें निकालते हैं। तो इस वस्तु का हमें इस मिरर पर प्रतिबिंब बनाना है, तो इसे हम दो किरणें निकालेंगे। ये देखिए, फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया। मैं जरूरी नहीं है कि मैं ये जो डायरेक्शन में निकाली हूँ और ये डायरेक्शन में निकाली हूँ, आप भी इसी तरह निकालेंगे। आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, मतलब आप किधर से भी प्रकाश की किरणों को लेकर जा सकते हैं। ये देखिए, दो ही निकालना है तो मैं दो ही निकाल रही हूँ। आप चाहे तो इस तरह भी लेकर जा सकते हैं, इस तरह भी लेकर जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जिधर लेकर गई हूँ उधर ही आप ही लेकर जाए, ठीक है। अब हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, हम दो किरणें निकाल दिए। अब ये दो किरणें जाकर इस परावर्तक सतह पर टकराई टकराई ये दो किरणें। अब परावर्तन का नियम ये कहता है कि हम जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह पर टकराती है तो हम उस पर अभिलंब डालते हैं। तो अब हम इस प्लेन मिरर पर अभिलंब डालेंगे, मतलब 90 डिग्री का लाइन डालेंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री का लाइन डाल दिए, ये हो गया। और यहाँ पर अगर डालें तो 90 डिग्री का ये लाइन हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो अभिलंब है उसी पर ये प्रकाश किरण आई है, मतलब आपतन कोण भी 0 डिग्री है, परावर्तन कोण भी 0 डिग्री है। मतलब ये अभिलंब पर आई है तो टकरा कर फिर उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ एंगल पर आई है, कुछ कोण पर आई है, तो ये टकरा कर जितना कोण पर आई है उतना ही कोण पर वापस लौट जाएगी। परावर्तन का नियम कहता है कि जितना कोण पर आती है उतना कोण पर चली भी जाती है, ठीक है। जितना कोण पर आई है उतना कोण पर वापस लौट जाएगी। अब देखिए, ये किरण इधर चली गई और ये किरण इसी दिशा में टकराई और इसी दिशा में वापस लौट गई। अब ये किरण इधर चली गई, ये किरण इधर चली गई। अब ये दोनों किरणें एक इधर चली गई एक इधर चली गई। अब इन दोनों को देख कर लगता है कि ये कभी मिल पाएंगी, ये इधर चली गई ये इधर चली गई। लेकिन अगर हम इसको जबरदस्ती मिलाएं पीछे खींच कर, ये देखिए, इस बिंदु पर मिली, तो अगर इसको हम जबरदस्ती मिलाएं तो इस बिंदु पर मिली और ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से ये किरण आ रही है, इसी बिंदु से ये किरण आ रही है। तो जब वही लिखी हूँ, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, इस दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिल नहीं रही है, वास्तव में नहीं मिल रही, हम इसको जबरदस्ती मिला रहे हैं पीछे घिसकर, तो ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। तो यहाँ पर इसका बनेगा आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो बनेगा लेकिन आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो वही डिफिनेशन का मतलब ये हुआ कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, इस दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हुई और उसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है आभासी प्रतिबिंब के। देखिए, ये जो है आभासी प्रतिबिंब में हमेशा जो प्रति आभासी प्रतिबिंब में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये देखिए, ये है आपका वस्तु, जो कोई भी आप वस्तु रखे हैं वो हो गया आपका ये वस्तु, और इसके ठीक सामने क्या बना, एकदम सीधा, बिल्कुल जिस तरह ये है
बिल्कुल सीधा ये इसका प्रतिबिंब भी बना है। तो आभासी प्रतिबिंब में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, और उसके बाद से ये हो गई प्रतिबिंब की दूरी। मान लीजिए इसको एक्स मान लीजिए, ये हो गया वस्तु की दूरी और ये हो गया आपका प्रतिबिंब की दूरी। तो आभासी प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो मैं यहाँ पर मिटा कर लिख देती हूँ जो जो मैं बोली हूँ पॉइंट्स, कि हमेशा जो वास्तविक आभासी प्रतिबिंब में वस्तु की ऊंचाई, ये हो गया वस्तु की ऊंचाई और ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये दोनों बराबर होती है। और आभासी प्रतिबिंब में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ये बराबर होती है। तो मैं इसको मिटा कर लिख देती हूँ ताकि आप लिख सकें। तब तक आप यहाँ पर लिख लीजिए, मैं हट जा रही हूँ। तो चलिए अब हम आभासी प्रतिबिंब के कुछ मुख्य बिंदु को लिख लेते हैं। लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। पहला पॉइंट ये है कि यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। देखिए, इसके सामने हमेशा सीधा बनता है। दूसरा लिखेंगे कि वस्तु की दूरी, ये जो एक्स वन मान लीजिए, मैं दोनों को एक्स मान ली हूँ लेकिन एक जैसा नहीं माना जाता है। एक्स वन मान लीजिए, इसको एक्स टू मान लीजिए। ठीक है, तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। आप इसको घर पर देख भी सकते हैं। देखिए, आप जब समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, आप अपने शीशे के सामने जब खड़े होते हैं, तो जितना ही पास जाएंगे उतना ही पास में प्रतिबिंब बनेगा शीशे में, और जितना ही शीशे से दूर जाएंगे उतना ही आपका प्रतिबिंब दूर चला जाएगा, मतलब शीशे में और दूर बनेगा। जितना ही आप पीछे जाएंगे उतना ही पीछे जाएगा, जितना ही आप पास जाएंगे शीशे के पास उतना ही पास शीशे में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो मैं मिटाती हूँ, तब पढ़ते हैं। अब चलिए हम वास्तविक प्रतिबिंब को समझ लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, तब मैं आपको समझाती हूँ। लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिख दी हूँ कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इस डिफिनेशन का क्या मतलब हुआ, तब मैं समझाती हूँ। यहाँ पर बनाएंगे हम अवतल दर्पण। ठीक है,
और ये इसलिए मैं अवतल दर्पण पर समझा रही हूँ क्योंकि अवतल दर्पण में ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये जो आभासी प्रतिबिंब है इसमें जो मैं समतल दर्पण ली थी, तो आप जिस शीशे में अपने चेहरे को देखते हैं ना, वो शीशा, उस शीशे में बनने वाला आपका प्रतिबिंब वो आभासी होता है, और समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए हम अवतल दर्पण लेकर समझा रहे हैं। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष क्या होता है ये सारे टॉपिक मैं इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, इसकी ऊंचाई h है। अब हमको बनाना है इस अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब, तो इससे क्या निकालेंगे, दो किरणें निकालेंगे। फर्स्ट ये हो गया, और सेकेंड मान लीजिए यहाँ पर लेकर चले जाइए, ये दो किरणें हम निकाल दिए। जरूरी नहीं है कि हम इस डायरेक्शन में निकालें, आप भी इसी डायरेक्शन में निकालेंगे, आप किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, इस तरह लेकर जा सकते हैं, कहीं भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जब प्रकाश किरणें इस परावर्तक सतह पर टकराई है, तो उस पर प्रकाश के परावर्तन का नियम लगेगा, मतलब हम उस पर क्या डालेंगे, अभिलंब डालेंगे। अभिलंब किस तरह डालते हैं, ये जो गोला होता है इसको मैं सर्किल पूरा कर दे रही हूँ, और ये हो गया इसका केंद्र। केंद्र से जब हम परिधि को मिलाते हैं तो उसको हम 90 डिग्री का लाइन खींच सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से अगर ये हो गया वक्रता केंद्र, और अगर इसको हम पर इस पर अभिलंब खींचना है तो इस तरह खींच देंगे, सीधा खींच दे रही हूँ, ये हो गया अभिलंब, ठीक है। अब मान लीजिए इसका एंगल है इतना, एंगल पर ये आई है तो टकरा कर इतने ही एंगल में वापस लौट जाएगी, ये लौट गई, ठीक है। अब ये जो दूसरी किरण है इस पर भी हम अभिलंब डालेंगे, ठीक है, अभिलंब सीधा डाल दे रही हूँ। अब इसका भी मान लीजिए कितना भी एंगल हो, इसका एंगल कुछ भी हो, अब जितना ही एंगल पर ये आई है उतना ही एंगल पर वापस लौटेगी। मान लीजिए इतना एंगल पर आई है तो इतना ही एंगल पर ये परावर्तित भी होगी, तो इतना ही एंगल पर हम परावर्तित परावर्तित कर देंगे। तो ये देखिए, ये परावर्तित हो गई, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। अब ये दोनों किरणें इस बिंदु पर वास्तव में मिल रही है, मतलब रियल में मिल रही हैं, ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद रियल में मिल रही हैं। देखिए डिफिनेशन में पढ़कर समझाती हूँ, किसी बिंदु स्रोत से, ये हो गया बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ये हो गया दर्पण, इससे परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, इससे परावर्तित हुई और जिस बिंदु पर वास्तव पर मिली उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर बनेगा उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और इसका ऊंचाई मान लीजिए, ये h1 मान लीजिए, इसको h2 मान लीजिए। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यहाँ पर वास्तव में किरणें मिल रही हैं, आभासी प्रतिबिंब की तरह हम जबरदस्ती नहीं मिला रहे हैं, यहाँ पर वास्तव में मिल रही है, तभी इनका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु के उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ये हो गया सीधा और ये हो गया इसका प्रतिबिंब उल्टा, मतलब ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसका वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा पर्दे पर उतारा जा सकता है, मतलब यहाँ पर अगर हम कोई पर्दा लगा दें और उसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं, और ये जो आभासी प्रतिबिंब है इसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते, ठीक है। तो हम इस सारे मुख्य बिंदु को हम वास्तविक प्रतिबिंब में लिख देते हैं ताकि आप एग्जाम में लिख सकें, तब तक आप यहाँ तक लिखिए, मैं हट जा रही हूँ। चलिए अब हम वास्तविक प्रतिबिंब के कुछ मुख्य बिंदु को लिख लेते हैं। पहला है कि यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यहाँ पर आप देख लिए। दूसरा है, वस्तु की दूरी और
प्रतिबिंब की दूरी बराबर नहीं होती है। दूसरा है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर नहीं होती। यहाँ पर ये हो गया वस्तु की दूरी इतना और प्रतिबिंब की दूरी इतना। अगर वस्तु की और प्रतिबिंब की दूरी बराबर नहीं होती, इसका मतलब ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी इतना हो गया और ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी। क्या ये बराबर है? नहीं है। अगर बराबर होता तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता, तब इन दोनों की दूरी बराबर होती। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है? इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। अगर यहाँ पर हम पर्दा लगा दे तो इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में नहीं उतारा जा सकता है। इसको भी मैं लिख देती हूँ, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है? इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पढ़ लिए, प्रतिबिंब के प्रकार पढ़ लिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। आने वाले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।